देखो मेरी ख्वाहिश थी कि आपका बर्थडे यही होना चाहिए। क्या पहनो बता दो। कुछ नहीं, ये तो नहीं यार, थोड़ा नहाओ धो, बर्थडे है, केक कट करने वाले हो। देखो बर्थडे का एक्साइटमेंट अब नहीं होता है, हमें होता है। हाँ, अब वो बच्चे हैं जो बीच में हमें होता है। कब अगले साल से नहीं चाहिए। तो बर्थडे से पहले के ये प्रतीक भाई मेरी तरफ से है। है आपके पास ये? Exactly. मैंने पूछा था इसको, ये बोला नहीं है भाई के पास। मैंने पूछा था ना आपको। अरे तो मैं क्या भाई के कपड़े देखने आता हूँ क्या? भाई का बच्चे अच्छा फिर से बोलो आगे पीछे। थैंक यू। बट इस बार जितना स्पेशल मुझे फील कराया है इन तीन बच्चों ने इस बार, तो सच में थैंक यू निज़ा रेहान सारा, बहुत ज़्यादा इनका अम्मी हर दिन कुछ ना कुछ किया है। तो अच्छा पूरे 10 दिन किया है। Happy birthday dear Shwebhai, happy birthday to you. तो ये था शोहेब का इस ईयर का बर्थडे ब्रिंग इन व्लॉग। शोहेब का बर्थडे ब्रिंग इन ऊपर जो हॉल जोड़ा गया है, दीपिका का मन था उसी में हो, वो बिल्कुल कंस्ट्रक्टेड नहीं है, उसमें लाइट्स की बहुत कमी है, पर क्लीन करवा के दीपिका ने बर्थडे वहीं सेलिब्रेट किया और अच्छा भी लग रहा था, सब आराम से खुले खुले बैठे थे। बाकी तो व्लॉग में वही हुआ, केक कटिंग, गिफ्ट्स, और 80% व्लॉग में सिर्फ एक दूसरे को केक लगाया गया है, किसी को छोड़ा नहीं गया है। 20-25 लोग थे, सबके मुँह पर केक था। और लास्ट ईयर दीपिका ने शोहेब के बर्थडे पे बहुत ही स्पेशल सरप्राइज़ अरेंज किया था। दीपिका ने शोहेब का बर्थडे एक ओपन बस में सेलिब्रेट किया था जो मुंबई में चलती है, कुछ 1-1.5 घंटे का उसका राउंड होता है, तो पूरी फैमिली को वहीं बुलाया था और वहीं बर्थडे मनाया था। बट इस बार वैसा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है, लेट्स सी बर्थडे पे क्या स्पेशल कर रही है वो।